हेलो दोस्तों, बोलो चैप्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रबड़ का अध्ययन करेंगे। रबड़ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ और एक कृत्रिम रबड़। तो इन दोनों रबड़ों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो रबड़ आपका पेपरों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। तो रबड़ को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम या संश्लेषित। तो पहले हम लेते हैं प्राकृतिक रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ किसे कहते हैं? ऐसा रबड़ जो प्रकृति से मिलता है हमको, यानी पेड़ पौधों से मिलता है। तो रबड़ के जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों की छाल से एक दूध जैसा पदार्थ, एक वाइट कलर का सफ़ेद रंग का एक पदार्थ निकलता है, जिसको लेटेक्स कहा जाता है। तो रबड़ की पेड़ की छाल से ये जो हमको लेटेक्स प्राप्त होता है, तो इससे प्राकृतिक रबड़ को प्राप्त किया जाता है। तो ये तो रबड़ का प्राकृतिक स्रोत हो गया। और अगर हम इसका संगठन देखना चाहें, तो रबड़ का जो एकलक होता है, रबड़ को हम पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। ये रबड़ एक प्रकार का हमारा क्या है, 1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो उसका मतलब यहाँ एकलक क्या होगा, हम पॉली अगर हटा दें तो क्या मिला हमको, आइसोप्रीन। तो जो रबड़ का एकलक होता है, जो प्राकृतिक रबड़ का एकलक इकाई होती है, वो क्या होती है, आइसोप्रीन। अब इस आइसोप्रीन की संरचना याद करने के लिए आप इसका एक IUPAC नाम याद कर सकते हैं, कि आइसोप्रीन को हम और क्या कहते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene। तो ये क्या है, आइसोप्रीन का एक IUPAC नाम। अब इसका अगर IUPAC नाम पता है हमको, तो हम आसानी से इसका संगठन बना सकते हैं। और अगर हमको एकलक मिल जाएगा आइसोप्रीन, तो उसका भौलकीकरण करके हम प्राकृतिक रबड़ की संरचना भी आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आइसोप्रीन का संगठन कैसा होता है। तो आइसोप्रीन का IUPAC नाम क्या है, 2-methyl-butadiene। तो अगर आपने IUPAC नाम सीखे होंगे 11th में, तो यहाँ पर आपने मूल शब्द से देखना है। मूल शब्द क्या है हमारा, ब्यूटा। अब ब्यूटा का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। तो हम यहाँ 4 कार्बन की एक चेन बना देते हैं, 1, 2, 3, 4। और नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, या लेफ्ट से या राइट से। तो इसमें नाम डाल दिया हमने, 1, 2, 3, 4। और ब्यूटा 1,3-diene है, तो उसका मतलब 1 और 3 पे ईन किसका अनुलग्न होता है, डबल बॉन्ड का। तो 1,3 पोजिशन पे ईन जुड़ा है। एक तो ये 1 पोजिशन पे ईन जुड़ा है, यानी डबल बॉन्ड जुड़ा है, और एक 3 पोजिशन पे, यहाँ पर भी हमने क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। और बाकी जगह क्या होंगे, हमारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और 2 पोजिशन पर मैथिल जुड़ा है, तो ये जो 2 वाला कार्बन है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, मैथिल जोड़ देते हैं। मैथिल होता है आपका CH3। तो इस प्रकार से हमारा 2-methyl-butadiene बन जाता है। अब इसमें कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं हम, कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। तो अभी कितनी संयोजकता है इसकी, डबल बॉन्ड बना रहा है तो 2। तो यहाँ पर आपको कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ हो जाएगा CH2। ऐसे इस कार्बन की संयोजकता देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आपको कोई भी हाइड्रोजन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन की संयोजकता देखेंगे तो 2 और 1, 3, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन को देखेंगे आप, संयोजकता इसकी 2 है, जबकि 4 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो इसका IUPAC नाम है, ब्यूटा 1,3-diene, 2-methyl-butadiene, इससे हमने क्या किया, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। तो हमारा आइसोप्रीन इस तरह का होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या करना है, इसका 1,4 पोजिशन पर बहुलकीकरण कर देना है। ये जो इसका पहला और ये जो चौथा कार्बन होता है, तो ये चेन बनाने में भाग लेता है। इसकी बहुत सारी N इकाइयाँ श्रृंखलित कर देनी है। जब आप श्रृंखलित करोगे, तो यहाँ जो श्रृंखलन करना है हमने, कहाँ कहाँ करना है, 1 और 4 कार्बन का। 1 इसकी आइसोप्रीन की एक इकाई के चौथे कार्बन को दूसरी इकाई के पहले कार्बन से जोड़ देना है आपने, सिंगल बॉन्ड द्वारा। और जब इसको हम श्रृंखलित करेंगे, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ से हट के कहाँ पर आ जाते हैं, सेंटर वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। तो आपने इतना ध्यान रखना है, तो इससे आप आसानी से प्राकृतिक रबड़ की संरचना ड्रॉ कर सकते हैं। तो पेपर में आपके आया था कि प्राकृतिक रबड़ का सूत्र लिखिए या संरचना दीजिए। तो आपको ये संरचना देनी है, थोड़ा सा ये दिखने में जटिल संरचना लगती है, लेकिन अगर आपने आइसोप्रीन याद कर लिया है, एकलक याद कर लिया, तो इसी एकलक को हमने क्या करना है, 1 और 4 पोजिशन पर श्रृंखलित करना है। ये नंबरिंग देखेंगे तो CH2 का कार्बन ये 1 है, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो यहाँ पर हमने C4 लिया, और जो अगली वाली चेन का जो 1 है, तो उसके साथ इसका श्रृंखलन कर दिया। तो यहाँ पर 1,4 पोजिशन पर क्या हो जा रहा है, ये श्रृंखलित हो जा रहा है। ऐसे इसका जो चौथा आएगा कार्बन यहाँ आएगा, और अगले वाले का पहला वाला यहाँ आएगा। तो इसको हमने क्या कर देना है, इस तरह से श्रृंखलित कर देना है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना देना है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम इसकी ये इकाई लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे, ये इसका क्या है, प्राकृतिक रबड़ का एकलक। और ये हमने ऊपर से ही देख लिया है, यहाँ CH3, CH2, C,
सी एस टू सी, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके हम कहाँ ले आएंगे, डबल बॉन्ड सेंटर में ले आएंगे, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हट के बीच में आ जाते हैं, सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में आ जाते हैं। और ये सी है तो सी से एक तरफ एच जुड़ा है, एक तरफ सी एस टू, तो सी से एक तरफ एच जोड़ दिया, एक तरफ सी एस टू जोड़ दिया। अब अगर आपने इस तरह से एक एक लग लिख दिया, अब अगला एक लग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं 180 डिग्री। इसको मान लो नीचे का ऊपर आ गया, ऊपर का नीचे, यानी सी एस टू ऊपर आ गया, सी एस टू नीचे, ऐसे यहाँ सी एस टू ऊपर आ जाएगा, एच नीचे, तो हमारा ये दूसरा एक लग इकाई बन जाएगी। अगर ध्यान से आप इन दो एक लग इकाइयों को देखेंगे तो यहाँ पर जो संरचना है इसकी उल्टी है, यहाँ हाइड्रोन ऊपर है सी एस टू नीचे, यहाँ सी एस टू ऊपर है हाइड्रोन नीचे, ऐसे यहाँ सी एस सी ऊपर है सी एस टू नीचे, तो यहाँ सी एस टू ऊपर हो गया और मैथिल समूह नीचे हो गया। तो पहले आइसोप्रीन से हमने एक 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 लग इकाई लिखी और नेक्स्ट वाली इसका उल्टा करके लिख दी, और वन और फोर पोजिशन जब नंबरिंग करेंगे तो वन और फोर पोजिशन पर इन एक लग इकाइयों की क्या कर देनी है, हमने बॉन्डिंग कर देनी है, तो इसलिए ये 1,4 पॉली आइसोप्रीन कहलाता है। अब फिर क्या करेंगे, जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है हमारा, तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले जैसा है, ये यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है वही आपने इस तीसरी जगह बना देना है, और फिर यहाँ पर वन और फोर पोजिशन पर इसको बॉन्ड लगा के जोड़ देना है। तो इसी प्रकार हम आगे श्रृंखलन करते रहेंगे, तो ये जो फिर इसका चौथा कार्बन है ये अगले वाले के पहले वाले के साथ जुड़ेगा, तो एक चेन यहाँ से बन जाएगी और एक पहले वाले से बन जाएगी। तो इस प्रकार ये जो हमारा पॉली आइसोप्रीन है, समपक्ष 1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो यही क्या कहलाता है, हमारा प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। और इसमें समपक्ष का क्या मतलब है, यहाँ समान समूह एक ही ओर जुड़ेंगे, जो सी एस टू समूह आप देखेंगे इन सारी एक लग इकाइयों में जो सी एस टू समूह हैं ये एक ही ओर जुड़े, तो एक ही ओर जुड़े होने के कारण ये क्या कहलाता है, समपक्ष। और 1,4 क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि 1,4 पर इनकी जो एक लग इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से बंध बना रही हैं। और ये जो आइसो प्राकृतिक रबड़ होता है आइसोप्रीन का, भोलक होता है, आपने इतना याद रखना है, आपने प्राकृतिक रबड़ का एक दूसरा नाम याद कर लेना है, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन। तो एक लग इकाई क्या मिलेगी इसकी, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन को हम क्या बोलते हैं, 2-methyl-butyl-1,3-diene, तो इसके IUPAC नाम से हम इसकी संरचना लिख देंगे, इस संरचना को 1,4 पोजिशन पर बॉन्डिंग लगा के इनकी चेन बना देंगे, तो प्राकृतिक रबड़ की संरचना आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने एक लग याद कर लिया कि प्राकृतिक रबड़ का एक लग क्या होता है, तो आप आसानी से इसकी संरचना ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण। अब रबड़ के वल्कनीकरण का क्या मतलब होता है, कि रबड़ में सल्फर मिला देना, अगर ये रबड़ है इसमें हम थोड़ा सा सल्फर मिला दें, तो ये घटना क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। तो पहले हम देखते हैं कि रबड़ के वल्कनीकरण कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमको क्यों मिलाना पड़ता है सल्फ़र। तो अभी हमने प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ा, तो प्राकृतिक रबड़ पेड़ों से मिलता है। अब अगर हम प्राकृतिक रबड़ को सीधे अपने दैनिक कार्यों में यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, प्राकृतिक रबड़ में कुछ दोष पाए जाते हैं। तो क्या क्या दोष पाए जाते हैं, जो हमारा नेचुरल रबड़ होता है, जो प्राकृतिक रबड़ है जो पेड़ की छाल से लेटेक्स मिला था उससे, उसको हम प्राकृतिक रबड़ बोलते हैं, तो उसको अगर हम सीधे उपयोग में लाएँ तो वो क्या होता है, उच्च ताप पर 335 से ज़्यादा ताप पर वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो जैसे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बिल्कुल पिघलने लग जाता है, और लो टेम्परेचर होगा, अगर लो टेम्परेचर माने 10 डिग्री सेल्सियस से कम, तो ठंडियों में हमारे कमरे के अंदर का ताप इससे भी कम हो जाता है, तो वहाँ पर ये ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल का मतलब क्रैक होने लगता है, दरारें आ जाती है इसमें, तो थोड़ा सा गर्म होने पर ये मुलायम हो जाएगा, पिघलने लग जाएगा, और ठंडे में ये चटकने लग जाता है, ये भंगुर हो जाता है। तो ना तो हम इसको ज़्यादा गर्मी उच्च ताप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही बहुत कम ताप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए प्राकृतिक रबड़ हमारा उपयोगी नहीं होता है। तो प्राकृतिक रबड़ को हम सीधे दैनिक कार्यों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यही कारण है कि रबड़ का क्या कराया जाता है, वल्कनीकरण। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि रबड़ के वल्कनीकरण की क्या आवश्यकता है, तो उसके 2-3 कारण हैं, कि अभी हमने देखा कि उच्च ताप पर ये नरम हो जाता है और कम ताप पर ये चटकने लगता है, भंगुर हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। इसके अलावा और भी इसके कुछ कारण होते हैं, कि ये क्या करता है, कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये पानी को अवशोषित करता है, प्राकृतिक रबड़ में उच्च जल अवशोषण क्षमता होती है, ये वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके फूल जाता है। तो अगर हम रबड़ की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका आकार अनियमित हो जाएगा, क्योंकि वो नमी को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, इसलिए भी हम इसका इस्तेमाल सीधे नहीं करते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, कि ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति अप्रतिरोधी होता है, इसको सामान्य भाषा में आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जल्दी ख़राब हो जाता है, जो प्राकृतिक रबड़ की वस्तुओं का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी हमारी। तो इन 4 कारणों से जो है हम प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण कराया जाता है।
उच्च ताप पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, निम्न ताप पर नहीं हो सकता। प्राकृतिक रबड़ पानी को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति ये क्या होता है, अप्रतिरोधी होता है। यानी जो ऑक्सीकरण अभिकर्मक होते हैं वायुमंडल की गैसें वगैरह आसानी से उससे क्रिया करके उसको ख़राब कर देती हैं। तो यही कारण है कि रबड़ का वल्कनीकरण कराया जाता है। अब रबड़ का वल्कनीकरण कराना माने रबड़ में सल्फ़र मिलाना। तो रबड़ में अगर हम सल्फ़र मिला दें, इसमें आपको ताप रेंज याद करनी है 373 से 415 केल्विन ताप, ताप के यही सीमा होनी चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस ताप पर हमने प्राकृतिक रबड़ में थोड़ा सा सल्फ़र मिला दिया तो इससे रबड़ कठोर हो जाता है। तो ये जो रबड़ है ये वल्केनाइज रबड़ कहलाता है। और ये जो घटना है प्राकृतिक रबड़ में सल्फ़र मिलाने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। अब रबड़ के वल्कनीकरण से क्या फ़ायदा होगा हमको, कि ये जो दोष हैं हमारे ये दूर हो जाते हैं। जो हमने अभी प्राकृतिक रबड़ में ये दोष पड़े तो वो क्या होते हैं, सल्फ़र मिलाने से आसानी से दूर हो जाते हैं। तो अब ये कैसे दूर हो जाते हैं, इसका अगर आप जो है रासायनिक रूप से कारण जानना चाहें, तो अभी हमने पीछे प्राकृतिक रबड़ की संरचना ड्रॉ की थी, हमने देखा था कि प्राकृतिक रबड़ में इस तरह की चेन होती है पॉलीआइसोप्रीन की। तो इसमें जब जैसे हम सल्फ़र मिलाते हैं तो इसकी जो डबल बॉन्ड वाली स्थितियाँ होती हैं, जो द्विबंध वाली स्थितियाँ होती हैं, तो इनमें क्या होता है, सल्फ़र तिर्यक बंध बना लेता है। यहाँ पर ये जो जैसे हमने इसको सल्फ़र के साथ गर्म किया, तो ये जो सल्फ़र एटम है ये क्या करता है, इन कार्बन एटम के साथ इस तरह से जुड़ जाता है। और कहाँ पर जुड़ता है सल्फ़र, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाली पोजिशन होती है। तो रबड़ के वल्कनीकरण में रासायनिक रूप से क्या होता है, तो उसका आप इससे समझ सकते हैं। जैसे हमने ये एक एकलक इकाई लिखी, इस एकलक इकाई को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये हमारी एकलक इकाई होगी। यहाँ पर अभी बीच में जो डबल बॉन्ड है ये हमने क्या रख दिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, उसका कारण अभी देखेंगे। और फिर जो दूसरी एकलक इकाई है तो इसी को हमने नीचे लिख दिया, ये और ये दो एकलक इकाई ले ली हमने रबड़ की। तो जैसे हम इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ पर बनता है, टू और थ्री पर, इस टू और थ्री पर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है। तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड था हमने गर्म किया, तो यहाँ पर टू और थ्री पोजिशन पर जो द्विबंध वाली अभिक्रियाशील स्थितियाँ होती हैं उनमें सल्फर जुड़ जाता है। तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ था हमारा, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक इस पोजिशन पर था, एक इस पोजिशन था, यहाँ पर सल्फर ने क्या किया, एक तिरछा बंध बना लिया। अब जैसे यहाँ पर सल्फर तिर्यक रूप से बंध बनाता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में बदल जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो ये घटना जो है ये क्या कहलाती है, रबड़ का वल्कनीकरण। तो चूंकि अब यहाँ द्विबंध वाली स्थितियाँ नहीं रही, तो इससे क्या होता है कि रबड़ की जो अभिक्रियाशीलता है वो थोड़ी कम हो जाती है, जैसे नमी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये और जल्दी ख़राब नहीं होगा, और इसके अलावा ये जो है गर्म करने पर मुलायम भी नहीं होता और ठंडा करने पर चटकता भी नहीं है। यानी जो प्राकृतिक रबड़ के सारे दोष हैं वो सल्फ़र मिलाने से क्या होता है, आसानी से दूर हो जाते हैं। तो इस वल्कनाइज रबड़ का उपयोग हम आसानी से अपने दैनिक कार्यों में कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि रबड़ के वल्कनीकरण में ये स्ट्रक्चर भी देना है, ये देने की ज़रूरत नहीं, ये हम पीछे बना चुके हैं। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने इसको दोबारा देखा था, लेकिन वहाँ जब पेपर रूम आएगा आपको केवल वल्कनीकरण में केवल यही संरचना देने की आवश्यकता है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि सल्फ़र को जब हम प्राकृतिक रबड़ के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाली पोजीशन होती है, वहाँ पर सल्फर क्या होता है, एक तिर्यक बंध बना लेता है। तो इससे हमको वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त हो जाता है। अब ये जो हमारा वल्कनाइज रबड़ है, तो वल्कनीकृत जो रबड़ है इसमें क्या क्या फ़ायदा होता है हमको, कि इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और इसको आप जो है उच्च ताप पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और निम्न ताप पर भी, चटकता नहीं है ना ही पिघलता है, और रेजिस्टेंस टू एब्रेशन यानी जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो वायुमंडल की गैसें होती हैं इसको जल्दी ख़राब नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वल्कनाइज रबड़ है ये हमारा ज़्यादा चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस वल्कनीकृत रबड़ का उपयोग हम जो है शूज़ वगैरह बनाने में करते हैं, स्कूल बैग हो गए, जूते वगैरह हो गए, या टायर हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर हैं, जूते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, वल्कनाइज रबड़ के। अब ये जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके लिए सल्फ़र आपको अलग अलग मिलाना पड़ता है। वल्कनीकरण रबड़ में हम क्या कर रहे हैं, सल्फ़र मिला रहे हैं। तो अगर आपने टायर बनाना है तो उसमें हम 5% सल्फ़र मिलाते हैं। कुछ और कार्यों के लिए होगा तो उसमें सल्फ़र की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा की जा सकती है। तो टायर के में इसका वल्कनाइज रबड़ का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो सल्फ़र होता है वो 5% मिलाते हैं, तो 373 से 415 पे गर्म कर देते हैं। तो जो रबड़ प्राप्त होता है वल्कनाइज रबड़, उसका उपयोग क्या होता है, वाहनों के टायर बनाने में किया जाता है। तो ये तो था हमारा प्राकृतिक रबड़। अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, संश्लेषित रबड़। तो संश्लेषित रबड़ माने जिसका संश्लेषण किया गया हो, जो प्रकृति से हमको प्राप्त ना हो। तो वो तो हमको प्राकृतिक रबड़ पेड़ पौधों से मिलता है,
रबड़ के पेड़ की छाल से मिलता है, जबकि जो संश्लेषित रबड़ होता है वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो आप इरेजर यूज़ करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ये भी एक प्रकार का रबड़ है हमारा। तो ये क्या हमारा आर्टिफिशियल रबड़ है, ये संश्लेषित रबड़ है, ये कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे रबड़ जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रबड़ कहलाते हैं। तो संश्लेषित रबड़ टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम तीन संश्लेषित रबड़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके एक लग इकाइयाँ बनाना सीखेंगे, उनके एक लग सीखेंगे और उनकी संरचना बनाना सीखेंगे। तो पहला हम लेते हैं इसमें नियोप्रिन। तो नियोप्रिन की जो एक लग इकाई होती है तो वो आपने याद करनी पड़ेगी, वो क्या होती है, क्लोरोप्रिन। प्राकृतिक रबड़ तो आइसोप्रिन से बना होता है जबकि ये क्लोरोप्रिन से बना होता है। अब अगर आपने प्राकृतिक रबड़ याद कर लिया तो उसी तरह से आप नियोप्रिन की एक लग इकाई भी याद कर सकते हैं। पीछे हमने देखा कि आइसोप्रिन क्या था हमारा, 2-मेथिल-ब्यूटा-1-3-डाइन। तो यहाँ इसकी एक लग इकाई क्लोरोप्रिन है, तो यहाँ मेथिल की जगह क्लोरो बोल देते हैं। तो इसकी जो एक लग इकाई होती है तो वो क्या होती है, 2-क्लोरो-1-3-ब्यूटा-डाइन। वहाँ प्राकृतिक रबड़ में इसकी जगह मेथिल था, यहाँ मेथिल की जगह आपने क्या कर देना है, क्लोरो। तो अगर आपने प्राकृतिक रबड़ की एक लग इकाई सीख ली तो उसमें मेथिल को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, यहाँ पर हमारा मेथिल आता था, यहाँ सी एल लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, हमारा क्लोरोप्रीन बन जाएगा। तो इसके दो नाम हैं, या तो इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं या इसका रासायनिक IUPAC नाम क्या होता है, 2-क्लोरो-1-3-ब्यूटाडाइन। तो इसके IUPAC नाम से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके एन अणु ले लेंगे और इसका श्रृंखलन कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर इसका हम बहुलकन करेंगे तो ये और ये कार्बन चेन बनाने में भाग लेंगे। अब जैसे चेन बनाने में भाग लेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें चेंज हो जाती है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ से श्रृंखलित करना है हमने, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CCl, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ सारे हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब कार्बन की वैलेंसी आप चेक बीच में करते रहेंगे हमें, यहाँ कार्बन की वैलेंसी जो है हमारी 4 होनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ सिंगल की जगह क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट हो गए बीच में आ जाते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से बीच में आ जा रहे हैं, तो जिससे कार्बन की संयोजकता हमारी 4 हो जा रही है, यानी संतुष्ट हो जा रही है। तो यही क्या है हमारा, नियोप्रिन। तो नियोप्रिन को हम दूसरे नाम से कैसे याद कर सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रिन। तो जैसे हमारा प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, पॉली आइसोप्रिन, तो ये क्या होता है, पॉली क्लोरोप्रिन। वो आइसोप्रिन से बना होता है, ये क्लोरोप्रिन से बना होता है। अगर आइसोप्रिन आपको आता है तो आप आसानी से उसकी संरचना से क्लोरोप्रिन भी बना सकते हैं, जहाँ मेथिल है उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, क्लोरीन। तो यहाँ जितना भी ध्यान है आपने क्या रखना है, इसकी एक लग इकाई पर, नियोप्रिन की एक लग इकाई पर। अलग से भी क्वेश्चन आता है कि नियोप्रिन की एक लग इकाई क्या है, तो इसकी एक लग इकाई क्या होती है, क्लोरोप्रिन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, 2-क्लोरो-1-3-ब्यूटा-डाइन। तो इसका स्ट्रक्चर बना के एन अणु लगे उनको श्रृंखलित करते हैं तो नियोप्रिन बन जाता है। अब ये नियोप्रिन हमारा कहाँ काम आता है दैनिक जीवन में, इस नियोप्रिन से हम क्या करते हैं, वाहक पट्टे बनाते हैं और गैसकेट होते हैं और हौज बनाने में इनका यूज़ होता है। वाहक पट्टे माने बेल्ट होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्सी वगैरह होती है या जो चक्की वगैरह होती है उनमें वाहक पट्टे होते हैं जो घूमते रहते हैं, तो उसको बनाने में यूज़ होता है इसका, गैसकेट बनाने में यूज़ होता है और हॉसेस वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये सब हमारे नियोप्रिन के उपयोग हो गए। इसके बाद आते हैं हम दूसरा संश्लेषित रबड़। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट संश्लेषित बोलक जो ब्यूनेन कहलाता है। तो इसमें भी जो एक लग इकाई है वो इसके नाम में ही छिपी है, तो उस नाम से ही हमने इसकी एक लग इकाई ढूंढनी है। तो ब्यूनेन में क्या आ जा रहा है, ब्यूनाएन, तो इसको हम तोड़ देंगे, एक तो ब्यू आ गया इसका, एक लग इकाई यहाँ से मिल जाएगी और एक ये जो एन सिंबल है दूसरी एक लग इकाई हमको इस एन से मिल जाती है। तो यहाँ ब्यू का मतलब क्या होता है, जो हमने पीछे अभी क्लोरोप्रिन में पढ़ा था, ब्यू का मतलब ब्यूटा-1-3-डाइन। तो यहाँ जो ब्यू ना है, ब्यू ब्यू ना में BUNA आएगा, तो BU का मतलब क्या है, ब्यूटा-1-3-डाइन, ब्यूटा-डाइन। ये कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड लगे रहेंगे, एक वन पोजिशन पर और एक थ्री पोजिशन पर, जो अभी हमने पीछे वाले रबड़ में पढ़े थे। और NA, ब्यूना NA, NA का मतलब नेट्रियम, नेट्रियम माने सोडियम, तो सोडियम की उपस्थिति में होती है क्रिया, यहाँ से एक लग इकाई नहीं मिलेगी, NA का मतलब नेट्रियम यानी सोडियम, सोडियम की उपस्थिति में करानी पड़ती है। और यहाँ N का मतलब क्या होता है, नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप, ये जो CN ग्रुप है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो यहाँ पर जो नाइट्राइल होता है इसका पूरा नाम है एक्राइलो नाइट्राइल, कल भी पढ़ा था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ जो एक्राइलो नाइट्राइल है तो उसका एक शॉर्ट नाम दिया है यहाँ पर नाइट्राइल। तो यहाँ ब्यूनाइन से क्या इंट मिला हमको कि एक एक लगेगा ही, तो ब्यू होती है इसकी यानी ब्यूटा-1-3-डाइन,
और दूसरी एक लग इकाई होती है इसकी नाइट्राइल, यानी एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलो नाइट्राइल को वाइनोसाइनाइड भी कहा जाता है। अब ब्यूटा 1,3-डाइन IUPAC नाम पता है तो हम आसानी से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये क्या हमारा ब्यूटा 1,3-डाइन, एक वन पोजिशन पर डबल बॉन्ड लगाया और एक थ्री पोजिशन पर डबल बॉन्ड लगाया, और चार कार्बन है तो ब्यूटा आ गया यहाँ पर। तो ब्यूटा 1,3-डाइन लिया हमने, इसके एन अणु ले लिए। अब हम क्या करते हैं, सोडियम की उपस्थिति में इसको एक्राइलो नाइट्राइल के साथ गर्म करते हैं। एक्राइलो नाइट्राइल माने वाइनिसाइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CSCN, जो एथिलीन से ही बना होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। तो इसको हम बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, शॉर्ट नाम हो गया इसका नाइट्राइल। तो इसमें दो एक लग इकाइयाँ क्या होती है, ब्यू से ब्यूटा 1,3-डाइन और एन से नाइट्राइल, यानी एक्राइलो नाइट्राइल। तो अब हमने क्या करना है, इसके दोनों अणु को चेन बना के जोड़ देना है। यहाँ से ये जो कार्बन है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये जैसे ही ये इसके साथ श्रृंखलित होगा, अगर ये यहाँ से एक बॉन्ड बना ले, मान लो ये इस तरह से एक यहाँ से अगर सिंगल बॉन्ड बना ले, तो इससे क्या होगा, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, क्योंकि चार तो पहले से है, 1, 2, 3, 4, और एक अगर बॉन्ड ये यहाँ भी बना दे तो इसकी संयोजकता, इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 संयोजकता तो कार्बन की कभी हो नहीं सकती। तो जैसे ही ये यहाँ श्रृंखलित होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये विस्थापित होकर यहाँ चला जाएगा, और वही क्रिया यहाँ भी होगी, यहाँ से भी हमने चेन बनानी है। तो जैसे ही यहाँ से चेन बनाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, उसका आपने ध्यान रखना है। यहाँ से शुरू करेंगे इसको सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से फिर इसको जोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और ऊपर हमने CN जोड़ दिया, उसको चेन बना के जोड़ दिया। तो जब भी आप इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे ध्यान रखना कि कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए। कहीं अगर आपको स्ट्रक्चर में डाउट है कि कहाँ डबल कहाँ सिंगल आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, कार्बन की संयोजकता गिन लेनी है। कार्बन की संयोजकता अगर हर जगह 4 आ रही है, उसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है। इस प्रकार ब्यूना एन आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ब्यूना एन में ब्यू का मतलब होता है ब्यूटा 1,3-डाइन, और एन का मतलब होता है नाइट्राइल एक्राइल नाइट्राइल। तो हम ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइल नाइट्राइल के एन एन अणु लेंगे और यहाँ पर इनका श्रृंखलन कर देंगे, थोड़ा डबल बॉन्ड की पोजिशन शिफ्ट हो जाती है इसमें, तो जिससे हमारा ब्यूना एन तैयार हो जाता है। अब ये जो ब्यूना एन है हमारा दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है, तो इसके भी बहुत सारे उपयोग हैं। तेल सील बनाने में, जो ऑयल सील होती है और जो टैंकियों का स्तर होता है तो उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। एक तो ऑयल की सील बनाने में, और जो टंकियाँ होती हैं बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं तेल रखने वाली, तो उसकी लेयर बनाने में, उसका स्तर बनाने में इसका यूज़ होता है। ये जो ब्यूना एन होता है ये आसानी से ख़राब नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होता है। तो जो तेल रखने वाले बर्तन होते हैं, बड़े बड़े टंकियाँ होती हैं, तो उनमें जो इसका स्तर लगा देते हैं ताकि आपके जो बर्तन है वो शीघ्र ख़राब ना हो। तो ये इसका दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाला रबड़, जिसको हम बोलते हैं ब्यूना एस। अब अगर आपने ब्यूना एन याद कर लिया तो ब्यूना एस भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ एन की जगह यहाँ क्या आ जाता है, एस। और एस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस क्या है हमारा, स्टाइरिन। एस कहलाता है स्टाइरिन, और पहला एक लग तो वही मिल रहा है यहाँ जो अभी पहले मिला था ब्यूना एन में। तो ब्यूना एन का भी हम संधि विच्छेद कर दें अगर, ब्यू ना एस, तो ब्यू से पहली एक लग इकाई मिल जाएगी ब्यूटा 1,3-डाइन, और सोडियम की प्रेजेंस में कराते हैं। और एस से क्या मिल गया यहाँ पर, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कहलाता है हमारा स्टाइरिन। तो हमने ब्यूटा 1,3-डाइन के एन अणु लेने, ये ब्यूटा 1,3-डाइन है, एन अणु ले लिए, पहली एक लग इकाई वही है जो पीछे पड़ी थी हमने, और यहाँ स्टाइरिन ले लेना है। अब स्टाइरिन क्या होता है हमारा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो इसका सूत्र होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके भी एन अणु ले लेने हैं हमने, और इनका क्या करा देना है, श्रृंखलन करा देना है। जब श्रृंखलन कराएंगे तो ध्यान रखना है कि जब यहाँ से चेन बनेगी तो ये जो डबल बॉन्ड है इस पोजीशन से हटके कहाँ आ जाएंगे, सेंटर वाली पोजीशन पर, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से भी इसका चेन बनानी है और इस कार्बन से भी चेन बनानी है। तो इस कार्बन की संयोजकता को 4 और 4 रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन डबल बॉन्ड को हटा के बीच वाली पोजीशन पर लाना पड़ेगा। तो ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाते हैं सेंटर वाली पोजीशन पर, और इसका श्रृंखलन करा दो तो ये क्या बन जाता है, आपका ब्यूना एस बन जाता है। तो स्टाइरिन का आपने ध्यान रखना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, CCH5CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये CCH5 को आप बेंजीन रिंग के रूप में भी दिखा सकते हो, चाहो तो इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने ब्यूटा 1,3-डाइन दिया
और इसमें स्टाइरिन ले लिया। पीछे वाले वीडियोस में हमने स्टाइरिन इस रूप में पढ़ा था, बेंजीन रिंग के ऊपर दो कार्बन है और ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो CCH5CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही इनका भोलकन होगा तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये जो कार्बन है एक सिंगल बॉन्ड द्वारा इससे जुड़ जाएगा। अब जैसे ये होगा, एक तो यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी चेन बनेगी एक, और क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी चेन बनानी है सिंगल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को हमने क्या कर देना है, शिफ्ट करके बीच में ले आना है। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भोलकन के फलस्वरूप किस तरह से बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सिंगल बॉन्ड CH हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और फिर यहाँ से जुड़ गया है सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का होल N, तो ये क्या हमारा प्राप्त हो गया ब्यूना S। तो ब्यूना N में तो ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइल नाइट्राइल लेना है, जबकि ब्यूना S में ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरिन लेना है हमने, S फॉर स्टाइरिन आ जाता है। स्टाइरिन का ये फॉर्मूला होता है, इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइरिन। अब ये हमारा दैनिक जीवन में कहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल टायर बनाने में, जो गाड़ियों के टायर होते हैं, और फुटवेयर जो आप जूते वगैरह पहनते हैं तो उनमें इनका मेन यूज़ होता है, एक वाहनों के टायर बनाने में और एक शूज़ बनाने में। जिस प्रकार से ये दो तीन संश्लेषित रबड़ हमारे समाप्त हुए। क्या क्या संश्लेषित रबड़ पढ़े हमने, पहला संश्लेषित रबड़ पढ़ा हमने नियोप्रिन, नियोप्रिन का एक लग क्या होता है, क्लोरोप्रिन, जिसको हम 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ा हमने ब्यूना N, तो ये किससे बना होता है, ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइल नाइट्राइल। और तीसरा पढ़ा हमने ब्यूना S, ये किससे बना होता है, ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरिन से। तो अगर आपने एकलक इकाइयाँ याद कर ली तो आप आसानी से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सारा ध्यान आपने रखना है कि ये किन एकलकों से मिलकर बने होते हैं, इनके एकलक याद रखने हैं। और एकलकों में भी आपको थोड़ा हिंट नाम में ही मिल जाता है कि ब्यूना N है तो ब्यू से ब्यूटा आ गया और S से स्टाइरिन आ गया, N होगा तो नाइट्राइल आ गया। और क्लोरोप्रिन का आप याद करने के लिए उसका IUPAC नाम याद कर सकते हैं कि 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्रिन, जिससे नियोप्रिन बनता है। इसके बाद हम लास्ट बहुलक देखते हैं, जैव बहुलक या जैव गठी बहुलक। तो अभी तक जो हमने संश्लेषित रबड़ के बारे में पढ़ा तो उसमें सब चीज़ें आ जाती है, पॉलीथीन, PVC, और भी हमने बहुत सारे बहुलक पढ़े। तो ये जो होते हैं प्रकृति के लिए प्रदूषक होते हैं। ये क्यों होते हैं प्रदूषक, क्योंकि ये जैव अनपघटनीय होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं। जैसे आपको बताइए कि पॉलीथीन भी हमारा क्या है, एक संश्लेषित बहुलक, जो हम दैनिक कार्यों में अपने सामान लाने के लिए पॉलीथीन यूज़ करते हैं, तो वो हमारी प्रकृति के लिए क्या होता है, अत्यंत प्रदूषक। क्यों, क्योंकि अगर हम उसको मिट्टी में गाड़ दें तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको अपघटित नहीं कर पाते हैं, वो जनरली जैव अनपघटनीय होता है, इसलिए वायुमंडल को क्या करता है, वो काफ़ी प्रदूषित करता है। और इसके अलावा अगर हम पॉलीथीन को जला दें तो उससे बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है। तो जितने भी संश्लेषित बहुलक होते हैं वो जीवों द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, वो जैव अनपघटनीय होते हैं। तो हमारे इस्तेमाल, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी तो बहुत होते हैं, जैसे पॉलीथीन के बिना हमारा काम नहीं चलता, लेकिन ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुँचाती है। तो अभी तक जो हमने संश्लेषित बहुलक पढ़े ये जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनपघटनीय होते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे बहुलक बनाने की कोशिश की जा रही जो काफ़ी उपयोगी भी हों और हमारी प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचाए। वो कैसे होगा, जब ये जीवों द्वारा आसानी से क्या हो जाए, अपघटित, तो ऐसे संश्लेषित बहुलक जो जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव अपघटित बहुलक। तो इस प्रकार के बहुलक का एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसका कठिन नाम है, इसको हम PHBV बोलते हैं, PHBV। यहाँ पी से आ जाता है पॉली, एच से आ जाता है हाइड्रोक्सी और बी से आ जाता है ब्यूटीरेट। और को का मतलब हो गया ये सह बहुलक है, सह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को, यानी यहाँ जो एकलक इकाइयाँ होंगी वो अलग अलग होंगी। और फिर वी से क्या आ जाता है हमारा, वेलेरेट, बीच में हाइड्रोक्सी भी लगाना है आपने, दो बार हाइड्रोक्सी लगाना है, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसको शॉर्ट में संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, PHBV। तो ये जो PHBV है ये क्या होता है, एक जैव उठे बहुलक होता है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से यह अपघटित हो जाता है। अब इसकी एकलक इकाइयाँ आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्सी आ रहा है तो इससे आप हिंट ले सकते हैं कि इसमें OH आ रहा होगा, और ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन वाला, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड लेते हैं, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, और एक जो ब्यूटेन के बाद आता है, ब्यूटेन 4 वाला है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 वाला। तो दूसरा जो एकलक इकाई है वो इसी से मिलती जुलती है कि हमने सिर्फ ब्यूटेन की जगह क्या कर देना है,
पेंटेन कर देना है, इसका अगला समझात ले देना है। तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनिक अम्ल, तो इन दो एकलग इकाइयों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर जो है एकलग इकाइयाँ दी हैं, यहाँ पर ये क्या दिया है, इनके आई यू पी एस सी नाम दे रखे हैं, तो इन आई यू पी एस सी नाम से आप आसानी से इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, तो नंबरिंग यहाँ से की हमने 1, 2, 3, तो 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और ओइक अम्ल किसका अनुलग्न होता है, सी ओ एच का, तो इसका आई यू पी एस सी नाम क्या है, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल। अब पेंटोनिक अम्ल बनाना है तो यहाँ पर एक सी एस टू और लगा देंगे, एक कार्बन और जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सी एस सी सी एस टू, एक सी एस टू और ऐड हो गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही है। तो हमने क्या किया, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल लिया और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटोनिक अम्ल लिया, इसके भी एन अणु लेंगे, इसके भी एन अणु लेंगे, तो इनके श्रृंखलन से पी एच बी वी बन जाता है। अब इसका कैसे श्रृंखलन करना है, जैसे अभी अब तक हम करते आ रहे हैं कि हमने क्या किया, जल निकालना था, तो जल निकालने के लिए यहाँ से क्या आ जाता है, सी ओ एच से ओ एच आ जाता है, और ये जो एल्कोहल ग्रुप है यहाँ से क्या आ जाता है, एच आ जाता है। तो वो यहाँ भी करेंगे, सी ओ एच का ओ एच ले लेंगे और अगले वाले से यहाँ से एच निकाल देंगे, और यहाँ से भी एल्कोहल का क्या ले लेंगे, एच, तो ओ एच जहाँ रहे वहाँ से एच हटा दो, और जो सी ओ ओ एच आ रहा है वहाँ से हमने क्या हटा दिया, ओ एच ले लिया है। तो इस प्रकार से जल के अणु निकल गए। अब यहाँ पर क्या करना है आपने कि इस कार्बन को, ये जो याला वाला कार्बन है, ये जल कहाँ से निकला, यहाँ से निकला हमारा, तो इस कार्बन को हम किससे श्रृंखलित कर देंगे, इस वाले कार्बन से, यहाँ से जल निकल रहा है, जल निकालने के लिए हमने एक ये कार्बन यूज़ किया और एक ये यूज़ किया, यहाँ से ओ एच निकाला, यहाँ से एच, तो उसका मतलब इनकी और इस वाले कार्बन की बॉन्डिंग करनी है हमने। तो इसको हम यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, पहले हमें इतना स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमारा, ये बचा हमारा है, ये बचा, और ये एज अ एल्किल समूह काम करेगा, ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में मैथिल समूह बन जाएगा। तो पहले हमने इसको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ओ सी एच सी एस टू सी ओ, ओ सी एच सी एस टू सी ओ, और ये जो मैथिल समूह है ये यहाँ लगा दिया हमने, नीचे लगा दिया। फिर इस सी ओ को हमने किससे जोड़ देना था, इससे, फिर दूसरी चेन हमको यहाँ से मिल जाएगी इस तरह से, ऐसे दूसरी चेन ये मिल गई, और ये हमारा एल्किल समूह हो गया, एल्किल समूह यहाँ कौन सा है, एथिल समूह। तो यहाँ पर फिर हमने ओ ले लिया, ओ सी, ये सी ओ तक हो गया था, इसके बाद ये सी ओ किससे जुड़ा है, ओ सी, तो ओ सी एच, और फिर सी एस टू सी ओ, सी एस टू सी ओ, और इस वाले कार्बन से कौन जुड़ी है, एथिल, तो इस वाले कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया, एथिल समूह जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने जो जो यहाँ से जल निकाला था, तो उन दोनों को श्रृंखलित करके आप आसानी से पी एच बी वी का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पी एच बी वी है ये क्या कहलाता है, जैव अपघटित बहुलक कहलाता है। तो ये जो पी एच बी वी है ये कहाँ यूज़ होता है हमारे दैनिक जीवन में, विशेष पैकेजिंग में, वस्तुओं को पैक करने में इसका यूज़ होता है, और बहुत सारे जो ऑपरेशन वगैरह हैं उनके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है, और इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है औषधियों के नियंत्रित मोचन में, जो हम दवाएँ खाते हैं तो उनको नियंत्रित मात्रा में बॉडी में पहुंचाने में। तो इसमें आप कैप्सूल वगैरह आपने देखे होंगे कि ये पी एच बी वी के ही बने होते हैं, ये जो कैप्सूल आप खाते हैं बीमार होने पर, तो इसके बाहर से जो प्लास्टिक टाइप का लगा रहता है, तो ये क्या होता है, पी एच बी वी, तो ये पी एच बी वी है जिसको अभी बनाना सीखा हमने। तो इसमें दवाएँ भर के, पाउडर भर के इस कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे हम इसको बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये जो बाहर का इसका आवरण है तो ये आसानी से अपघटित हो जाता है, और जो अंदर की दवाएं हमारे बॉडी में मुक्त हो जाती हैं, तो दवाओं को एक निश्चित मात्रा में मुक्त करने में इसका यूज़ होता है। तो ये प्रकृति को प्रदूषित नहीं करता क्योंकि आसानी से अपघटित हो जाता है, हमारी बॉडी भी इसको आसानी से अपघटित कर सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन वगैरह में भी, शल्य चिकित्सा में भी, टाँके वगैरह लगाने में इसका यूज़ होता है, और जो विशेष प्रकार की पैकेजिंग है, जो फ्रूट जूस आते हैं, रियल फ्रूट जूस, तो उनके पैक बनाने में भी इस पी एच बी वी का यूज़ किया जाता है। तो ये तीन इसके महत्वपूर्ण उपयोग हो गए, खासतौर पर ये कैप्सूल वगैरह बनाने में उपयुक्त की जाती है। इनके फ़ायदे क्या होते हैं कि ये हमारे काम के भी होते हैं और इससे हमारी प्रकृति प्रदूषित भी नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारा ये बहुलक चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।